कैसे याद करते हैं? देखिए, जयप्रकाश बाबू का आज जन्मदिन है, इस अवसर पे हम सब लोग आज उनको याद करते हैं, देश भर के लोग याद करते हैं और देश से बाहर भी जो इनके विचारों को मानने वाले लोग हैं उनको याद करते हैं। इनको याद करने से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। देश को एक विशेष संकट से कभी इन्होंने उबारने का काम किया था, निरंतर आजीवन देश की सेवा इन्होंने की और जिस संकट से देश को एक बार उबारा था इन्होंने 74 आंदोलन के समय, उससे भी विषम परिस्थिति आज देश के सामने है और उस परिस्थिति के मद्देनज़र पूरा देश फिर से एक बार बिहार की ओर देख रहा है। तो आज की परिस्थिति में जब हम याद करते हैं जेपी को तो हमको उस आज की विशेष परिस्थिति से लड़ने की ताकत मिलती है। सर, अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये दूसरा दौरा हुआ उनका बिहार का। देखिए, कोई बिहार आवे कहीं जाए इसमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जिस मकसद से वो आ रहे हैं उस मकसद में उनको कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली। नाक भी रगड़ लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के साथ पूरे तौर पे गोलबंद है और हाल के दिनों में तो गोलबंदी और बढ़ गई है, तो इस गोलबंदी को देखते हुए लोग परेशान हैं और उस परेशानी के कारण आ रहे हैं तो आते रहे। सुशील मोदी कह रहे थे कि अमित शाह जो है अब नालंदा भी जाएंगे, नीतीश कुमार से दो दो हाथ करने को तैयार है। अरे भाई, कुश्ती लड़नी है क्या कि दो दो हाथ करने को तैयार? जिस रूप में करना हो कर लेना, इंतजार करें, अब तो चुनाव आएगा, चुनाव में फरिया लेंगे। वो नालंदा जाए कहीं जाए उससे क्या फर्क? बीजेपी लोग चैलेंज भी दे रहे हैं कि हिम्मत है तो अभी बिहार में चुनाव करा के दिखाइए। बीजेपी अगर कह रही है कि अभी चुनाव करा के दिखाइए तो उनकी शर्त को हम लोग मान लेंगे, लेकिन लोकसभा का चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होना है, सब लोगों को मालूम। तो लोकसभा का चुनाव पहले करा दें, उसके तुरंत बाद विधानसभा भी हम लोग करा देंगे।